जंगल की लड़ाई लड़ रहे हैं, पेड़ों की कटाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ के वन्य प्राणी, वहाँ के पशु पक्षी आज कहीं ना कहीं खतरे में हैं। अगर प्रकृति की देन के साथ में कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके खिलाफ में जनता तो जागेगी ना। में कार्रवाई नहीं होता है तो इसे भी हम लोगों को उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार पेड़ों की कटाई पर मौन है। कांग्रेस की सरकार में कभी भी किसी चीज प्राकृतिक चीजों के साथ में छेड़छाड़ नहीं हुआ है। हसदेव को बचाइए और जंगल की कटाई को बंद कीजिए। कांग्रेस के राज में सिर्फ बचाने का ही काम हुआ। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भाजपा हसदेव को बचाने की बात कर रही थी, और अब जब भाजपा सत्ता में है तो पेड़ों की कटाई को लेकर कांग्रेस धरना दे रही है। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हसदेव के जंगल को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने धरना दिया। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका सौरमय टाइम्स में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है हसदेव को बचाने के लिए। तो आइए चलते हैं, यहाँ बात करते हैं कार्यकर्ताओं से और जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। आप लोग ये पूरा जो आंदोलन है हसदेव के लिए ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या जरूरत पड़ गई कि आपको यहाँ पास खड़े होकर आंदोलन करना पड़ रहा है? हसदेव का जो जंगल है वो प्रकृति की देन है। अगर प्रकृति की देन के साथ में कोई छेड़छाड़ करता है, चाहे कोई भी वर्ग का आदमी हो, तो उसके खिलाफ में जनता तो जागेगी ही ना। लेकिन पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी जंगल को काटा जा रहा था, उस समय राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान के लिए जो कोयले की जो जरूरत थी, जो मिनरल्स की जो जरूरत थी, उसी के लिए हसदेव का जंगल काटा जा रहा था। और उस समय भी जो जनता थी वो उस समय भी क्या बोलते हैं, गुहार लगा रही थी हसदेव को बचाने के लिए। तो कार्यकाल किसी का भी हो, केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस की सरकार में कभी भी किसी चीज प्राकृतिक चीजों के साथ में छेड़छाड़ नहीं हुआ है। कांग्रेस के राज में सिर्फ बचाने का ही काम हुआ है। तो ये था कहना इनका कि कांग्रेस के राज में केवल प्राकृतिक चीजों को बचाने का काम हुआ है। आइए चलते हैं और कार्यकर्ताओं के पास और जानने की कोशिश करते हैं उनसे पूरा मामला क्या है आंदोलन के पीछे। यहाँ है कि हम लोगों ने हसदेव जो जंगल की कटाई हो रही है उसकी बचाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आज मानव श्रृंखला बनाकर इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद ये आपके जो आंदोलन है इसके बाद कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? देखिए सर, हमारा काम है संघर्ष करना, और कार्रवाई होना नहीं होना वो तो आगे चल के वो पता चलेगा। ये तो आज हम मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इसमें कार्रवाई नहीं होता है तो इसे भी हम लोगों को उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। तो अभी आपने जाना यहाँ के कार्यकर्ताओं से क्या है पूरा मामला। तो आइए चलते हैं रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी के पास और जानने की कोशिश करते हैं पूरे मामले को। हसदेव बचाओ गुहार, आज हम स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस दिन को मना रही है। एक तरफ आदिवासी भाई जंगल की लड़ाई लड़ रहे हैं, पेड़ों की कटाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ के अलग अलग जाति जनजाति के लोग, वहाँ के वन्य प्राणी, वहाँ के पशु पक्षी आज कहीं ना कहीं खतरे में हैं, उनके ऊपर प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार पेड़ों की कटाई पर मौन है। आज इस सुशासन दिवस के अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया से गुहार लगा रहे हैं कि हसदेव को बचाइए और जंगल की कटाई को बंद कीजिए। वहाँ के लोग भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके संबल को बढ़ाने के लिए, वहाँ के आदिवासी भाइयों को ताकत देने के लिए हम लोग रायपुर राजधानी में ये आंदोलन को लेकर आज हम सब साथी यहाँ पर इकट्ठा हैं और लगातार चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक पेड़ों की कटाई बंद नहीं होगी। तो अभी आपने सुना विकास उपाध्याय जी को, जिनका कहना है कि वो जल्द ही हसदेव का दौरा भी करेंगे और संघर्ष लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन शिवा राव के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वरमय टाइम्स रायपुर।